साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादोत्तर काव्य और कवि। छायावाद के अंत की घोषणा छायावादी कवियों ने ही कर दी थी। निराला राम की शक्ति पूजा की तत्सम पदावली छोड़कर कुकुरमुत्ता महंगू महंगा रहा जैसा काव्य रचकर समाज के निम्न वर्ग की दारुण स्थिति का चित्र बोलचाल की भाषा में खींच रहे थे और पंत ने तो युगांत की घोषणा ही कर दी थी। छायावाद में वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रवृत्तियों का समन्वय था। छायावादी कवि निजी स्वर में ही सही किंतु साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध कर रहे थे। छायावादोत्तर युग में दो प्रवृत्तियां अलग दिखलाई पड़ती हैं। एक प्रवृत्ति मस्ती के आलम का गीत गाती है। इसे समाज विरोधी नहीं कह सकते क्योंकि ये कवि व्यक्तिगत अनुभूतियों के स्तर पर ही सही व्यवस्था की जकड़न का विरोध करते हैं। अनुभूति प्रधान होने के कारण इन्होंने गीत की विधा अपनाई है। इनमें से अधिकांश कवि कवि सम्मेलनों में बहुत लोकप्रिय हुए। इनकी कविताओं में प्राचीनता का विरोध, मस्ती, नश्वरता की अनुभूति, सभी प्रकार की संकीर्णता का विरोध और सबसे तटस्थता, कुल मिलाकर सबसे विराग, सब पर ममता वाला भाव मिलता है। इसे विरोध का काव्य कहेंगे। यहां स्वच्छंदता मस्ती बन गई है। इसीलिए 1907 से 2003 ईस्वी के मध्य इस धारा के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को हालावाद कहा गया। उनकी कविताओं में हाला की चर्चा भी बहुत होती थी। यहाँ हाला व्यवस्था विरोध का प्रतीक है, बहुत कुछ फारसी उर्दू कविता की तरह। बच्चन ने सरस सहज गीतों के माध्यम से धार्मिक सामाजिक संकीर्णता का विरोध किया और उद्दाम भावनाओं की अकुंठ अभिव्यक्ति की। इस प्रवृत्ति के काव्य की प्रतिनिधि पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह पंक्ति मस्ती के दूसरे गायक भगवती चरण वर्मा की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली में भी यह मस्ती पाई जाती है, किंतु इनमें से अधिकांश प्रगतिशील भावनाओं के कवि हैं। छायावादी काव्यधारा के समानांतर राष्ट्रीय भावनाओं की एक ऐसी भी काव्यधारा चल रही थी जिसमें कल्पना की उतनी उड़ान और लाक्षणिक प्रतीकात्मकता नहीं थी, किंतु राष्ट्रीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति थी। ऐसे कवियों में नवीन, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी,
सुभद्रा कुमारी चौहान प्रमुख हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी प्रधानतः राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं। इन कवियों की वाणी अग्नि गर्भा है। नवीन और दिनकर छायावादी युग के कवि हैं, किंतु इनकी शैली अपेक्षाकृत सहज है। ये लाक्षणिक प्रतीकात्मकता का उतना उपयोग नहीं करते। नवीन स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की विविध मनस्थितियों पर उद्बोधपरक और मार्मिक कविताएं लिखी हैं। आज खड़ग की धार कुंठिता और कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। स्वतंत्र भारत में उनका प्रबंध काव्य उर्मिला छपा। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी। दिनकर ओजस्वी और राष्ट्रीय भावनाओं के कवि के रूप में विख्यात हैं। रेणुका, हुंकार आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। हिमालय पर लिखी गई उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। स्वतंत्र भारत में भी वे काव्य रचना में रत रहे। दिनकर में साम्राज्यवाद और सामंतवाद की अमानवीयता के विरुद्ध घोर असंतोष और क्षोभ की भावना थी। वे अहिंसा को सर्वत्र उचित नहीं मानते। स्वतंत्र भारत में उनकी अनेक प्रसिद्ध रचनाएं छपी, जिनमें कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की समस्या पर विचार किया गया है। स्पष्टतः ये रचना द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित है। उर्वशी नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने वाला श्रृंगारी काव्य है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 ईस्वी। चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि हैं, किंतु वे राष्ट्रीय कविताओं में भावनाओं को कभी कभी इतने सूक्ष्म सादृश्य विधान के आधार पर प्रकट करते हैं कि कविताएं दुरूह हो जाती हैं और रहस्यमय हो उठती हैं। इस शैली के वे विशिष्ट और अकेले कवि हैं। उन्होंने सहज ढंग से अत्यंत मार्मिक राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी हैं। पुष्प की अभिलाषा ऐसी ही अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रेरक कविता है। नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989 ईस्वी। नरेंद्र शर्मा ने अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी हैं। वे जीवन की जटिल स्थितियों को सरल छंदोबद्ध पंक्तियों में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं। प्रकृति चित्रण में वे पंत के अनुगामी हैं। नरेंद्र शर्मा स्वाधीनता आंदोलन के सिलसिले में जेल गए। बाद में वे समाजवादी विचारधारा और प्रगतिशील काव्यधारा से घनिष्ठ रूप से जुड़े। पंत के साथ उन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में वे फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। वहां भी उनकी प्रतिभा धूमिल नहीं पड़ी। पलाश वन, प्रवासी के गीत उनके प्रसिद्ध काव्य संकलन हैं। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय और ओजस्वी कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हुईं। विशेषतः झांसी की रानी पर लिखा गया उनका वीर काव्य यानी बैलेड। ऐसी प्रसिद्धि शायद ही किसी अन्य कविता को मिली हो। सोहनलाल द्विवेदी ने भी राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं की रचना की।
आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादोत्तर काव्य और कवि। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर के चंदन और सुनीता चौहान। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊदयाल चतुर्वेदी।